इस टॉपिक का कंडीशन वारंटी का सबसे लास्ट टॉपिक है ये, और वो है रूल रूल ऑफ कैम्पेट एम्पेटर। ये एक बहुत बड़े जनाब हुए थे लॉ के, उन्होंने एक रूल बना दिया था, तो इसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं लेट द बायर बी बिवेयर। बिवेयर का मतलब जो क्रेता है, जो बायर्स हैं, वो सावधान रहे। आइए मैं इस रूल को बताने जा रहा हूँ। सुन, ये रूल कहता है कि देर इज नो कंडीशन, देर इज नो वारंटी। कोई कंडीशन नहीं है, कोई वारंटी नहीं है। खरीदने वाला आदमी अपनी आंखें खुली रखे, अपने कान खुले रखे और अपना दिमाग खुला रखे और तब सामान खरीदे। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा समझाते। इतने सारे कंडीशन पढ़ लिए, इतनी सारी वारंटी पढ़ ली, इतना पढ़ने के बाद तो जितने भी शॉपकीपर्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं, वो सब डर जाएंगे, क्योंकि या तो उन्हें माल वापस करना पड़ रहा है या उसका क्लेम देना पड़ रहा है। तो जो मार्केट है उसमें सिचुएशन कैसी हो जाएगी, सोचिए जरा। जैसे कोई कस्टमर शॉप मार्केट में आएगा तो शॉपकीपर्स क्या कहेंगे एक दूसरे को, अरे कस्टमर आ गया है, जल्दी से दुकान बंद कर लो, क्योंकि ये तो खरीद कर ले जाएगा सामान, फिर बाद में तंग करेगा, और हमें इसे या तो गुड्स को वापस करना पड़ेगा या गुड्स का क्लेम देना पड़ेगा। तो शॉपकीपर डरेंगे माल बेचते समय। तो जितने भी कंडीशन और वारंटी के भी क्लॉज देखे वो सब बायर के प्रोटेक्शन के लिए थे, लेकिन सेलर के प्रोडक्शन के लिए भी कोई रूल होना चाहिए, और सेलर के प्रोडक्शन के लिए यही रूल बना हुआ है। ये रूल सिंपल सिंपल ये कहता है कि एवरी बायर इज सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, एवरी बायर इज हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रॉन्ग डिसीजन। यानी अगर कोई बायर खरीद रहा है और उसने कोई डिसीजन रॉन्ग कर लिया है, तो उसके लिए सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता। सेलर जिम्मेदार नहीं है, सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग डिसीजन मेड बाय द बायर। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि कोई बायर मार्केट में जाता है और वो गोरा करने की क्रीम लेता है, फेयरनेस क्रीम, और वो गोरा नहीं होता, तो क्या इसका मतलब है कि वो जाकर ये कहेगा कि जी कंडीशन ब्रीच हो गया, मेरा फिटनेस जो क्लॉज है वो पूरा नहीं हो पाया, तो मेरी क्रीम वापस करो, मेरे पैसे वापस करो। बताइए, क्या अगर कोई बायर मोटरसाइकिल परचेज कर लेता है और वो मोटरसाइकिल परचेज करने के बाद उसके हिसाब से मोटरसाइकिल का पेट्रोल का एवरेज वेरी नहीं कर रहा है, तो वो इस बिना पर मोटरसाइकिल को वापस कर देगा कि जी पेट्रोल का मेरे हिसाब से तो फिटनेस नहीं है, मैं तो ये सोच रहा था कि एक लीटर में 200 किलोमीटर चल जाएगी और ये तो सिर्फ 50 या 60 किलोमीटर पर लीटर चल रही है, तो मेरी मोटरसाइकिल वापस करो, मेरे पैसे वापस करो। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो इसलिए ये गुड्स ये कहता है, ये रूल ये कहता है कि बायर को खुद जिम्मेदार रहना पड़ेगा। सोचिए, अगर कंडीशन वारंटी अप्लाई हो गई तो इसका मतलब तो सेलर्स जो है ऐड कर ही नहीं सकते। आप देखिए, जितने भी टीवी पर ऐड आते हैं वो कैसे आते हैं, कोई कहता है मेरा जो सर्फ है वो सबसे बढ़िया है, कोई कहता है मेरा कोलगेट सबसे बढ़िया है, कोई कहता है कि मेरा कोका कोला बहुत पीने में बहुत बढ़िया है, कोई कहता है मेरी कार सबसे बढ़िया है। तो यानी इसे कहते हैं राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो इसका मतलब शॉपकीपर तो अपना एडवर्टाइजमेंट कर ही नहीं पाएंगे। और स्टूडेंट्स, एक बार बताइए, एडवर्टाइजमेंट कैसे अच्छे लगते हैं? जब आदमी अपने बारे में बड़ाई करता है, क्या कहेगा? सर्फ की चमकार। वो ये तो नहीं कहेगा कि सर्फ खरीद लो, पसंद आए तो ठीक है, सबसे अच्छी चमक तो मेरी नहीं है। कोई आदमी अपनी बुराई तो नहीं करेगा ना। हर आदमी अपने विज्ञापन में, अपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में अपनी बड़ाई करेगा। वो क्या कहेगा? सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर। वो क्या कहेगा? सबसे अच्छी कार। वो क्या कहेगा? सबसे अच्छा कोला। वो क्या कहेगा? सबसे अच्छा साबुन। वो क्या कहेगा? सबसे अच्छा प्रोडक्ट। तो विज्ञापन का अधिकार तो सबको है, पर अगर इस विज्ञापन के आधार पर कस्टमर्स गलत डिसीजन ले लेते हैं तो ओनली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रॉन्ग डिसीजन, शॉपकीपर्स आर नॉट। ये डिसीजन ये कहता है। यानी अगर सिंपल केस में ये क्वेश्चन आ जाए तो उसमें सिर्फ आपको यही जवाब देना है कि बायर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रॉन्ग डिसीजन। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर इस नियम को अपनाया जाएगा तो फिर तो बायर की जो डिसीजन फिर से अफेक्ट हो जाएंगे। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। क्या है एक्सेप्शंस? तो यानी ये जो रूल है, इस रूल को पहले हम लिख लेते हैं। रूल्स क्या है? रूल है
sellers are not responsible for the wrong decision made by buyers. ये रूल है, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस का मतलब है कि जो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं उनमें ये रूल अप्लाई नहीं होता, उनके लिए सेलर्स आर रिस्पॉन्सिबल। यानी एक्सेप्शन में मैं लिख सकता हूं फॉर द फॉलोइंग सेलर्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो इनके लिए सेलर्स क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, सेलर जिम्मेदार है। जैसे कि पहला है फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस। ये क्या है स्टूडेंट्स? मैंने आपको पढ़ाए थे कंडीशंस, मैंने आपको क्या पढ़ाए थे कंडीशन। तो डेफिनेटली मैं इसमें कुछ क्या लिखने वाला हूं, मैं आपको समझा दूं इसमें। मैं इसमें कुछ भी नहीं करने जा रहा, मैं सिर्फ कंडीशन लिखने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, कि अगर कोई गुड्स जो बेचा गया है वो बायर के पर्पस से फिट होना चाहिए। बायर के पर्पस से क्या होना चाहिए? फिट। अब आप कहेंगे सर बायर का तो पर्पस कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल यूजेस भी होते हैं किसी गुड्स के, तो फिर ऐसी हालत में बायर उस मल्टीपल यूज का सहारा लेकर आसानी से गुड्स को वापस कर देगा। तो मैं वो नहीं कह रहा, उसके लिए ऊपर वाला रूल अवेलेबल है। इसमें जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। बोलो, स्टार्ट करूं। इसमें स्टूडेंट ये होता है कि अगर बायर सेलर पर रिलाई करता है, इफ बायर रिलाइज ऑन द सेलर जजमेंट, इन दैट केस सेलर आर रिस्पॉन्सिबल। बायर ने क्या कहा कि ठीक है जी जो मर्जी क्रीम दे दीजिए पर मैं गोरा हो जाऊं, तो ऐसी हालत में अब सेलर रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि डिसीजन अब सेलर का था और बायर ने उस पर क्या करा, बिलीव करा, विश्वास करा, रिलाई करा। तो अगर बायर सेलर पर विश्वास दिखाता है, सेलर पर ट्रस्ट दिखाता है, तो सेलर को उस ट्रस्ट को रखना चाहिए, और अगर सेलर नहीं रख पाया तो ये माना जाएगा कि कंडीशन ब्रीच हुई और ऐसी हालत में माल को वापस करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? पर अगर सेलर्स अपने इस डिसीजन से बचना चाहते हैं, तो अगर कोई गुड्स कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट के अंतर्गत बेचा गया है, ब्रांडेड का मतलब कोई पेटेंट नेम के अंतर्गत उसका पेटेंट करवा रखा है, उसके अकॉर्डिंग बेचा गया है, तो ऐसी हालत में सेलर जिम्मेदार नहीं है। ऐसी हालत में सेलर जिम्मेदार नहीं है। यानी आप कोई प्रोडक्ट मान लीजिए किसी ब्रांडेड कंपनी का ले आते हैं, मान लीजिए आप एयरटेल का ले आते हैं, मान लीजिए आप रिलायंस का ले आते हैं, मान लीजिए आप हिंदुस्तान लीवर का ले आते हैं, तो उसके लिए जो सेलर्स हैं जो उसे बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट को, वो जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए वो कंपनी जिम्मेदार है। तो ऐसी हालत में सेलर्स तो जिम्मेदार नहीं है कि मैन्युफैक्चरर जिम्मेदार है। तो यानी इफ गुड्स आर सोल्ड अंडर ए पेटेंट नेम और ट्रेड नेम, तो इसके लिए जिम्मेदार मैन्युफैक्चरर माने जाएंगे, सेलर्स नहीं माने जाएंगे। ठीक है? यानी अगर ऐसी हालत में उसने ब्रांडेड गुड्स बिकाया तो इसी हालत में सेलर जिम्मेदार नहीं है, वो कंपनी जिम्मेदार मानी जाएगी। यहां पर सेलर तो बच जाएंगे लेकिन मैन्युफैक्चरर पकड़े जाएंगे क्योंकि वो फिटनेस ग्राउंड पर नहीं माने गए। लेकिन अगर उस चीज के मल्टीपल यूज हैं तो डेफिनेटली वो कंपनीज भी नहीं रिस्पॉन्सिबल होंगे। एक कंपनी एक क्रीम को गोरा करने की क्रीम बनाकर ही बेच रही है, तो पर्टिकुलरली वो गोरा करने के लिए ही है, तो अगर वो किसी आदमी को गोरा नहीं कर पा रही है
तो ऐसी हालत में वो उस कंपनी पर क्लेम कर सकता है। अगर मेडिकल ग्राउंड पर वो चीज सही पाई गई तो ऐसी हालत में उसको क्लेम मिलेगा। लेकिन यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैं एक शॉपकीपर के पास गया, मैंने कहा कि भाई ठीक है मुझे आप जो है कोई गोरा करने की क्रीम दे दो या मेरा पेट ठीक नहीं है मुझे कोई सामान दे दीजिए। और मान लीजिए उसने अपना कोई फार्मूला क्रिएट करके कोई फार्मूला बनाकर मेरे को कोई जड़ी बूटियों वाला अपनी तरफ से बना कर दिया, तो ऐसी हालत में डेफिनेटली वो पेटेंट नेम के और ट्रेड नेम के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फार्मूला किसका है? सेलर का है। तो ऐसी हालत में अगर वो दवाई फायदा नहीं करती है तो सेलर इज रिस्पॉन्सिबल, वो फार्मूला काम नहीं करता है तो सेलर इज रिस्पॉन्सिबल, सेलर को माल वापस करना पड़ेगा। सेलर इस रूल का फायदा नहीं ले सकता, सेलर इस रूल का फायदा नहीं ले सकता, उसे माल वापस करना पड़ेगा। सेलर बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता कि ऐसा हुआ, ठीक है जी। इसके बाद है इसमें भी कंडीशंस में हमने पढ़ लिया था, मार्केटेबिलिटी का मतलब है कमर्शियली सेलेबल, कि जिस दाम जैसा हमने खरीदा है वैसा ही हम बेच पाए और उसकी पूरी कीमत हमें मार्केट में मिले। ऐसा नहीं है कि उसको स्क्रैप वैल्यू पर या कबाड़ कीमत पर हमें मार्केट में मिले। अगर मैंने दूध खरीदा है तो दूध बेच पाऊं और दूध की फुल वैल्यू मेरे को मिले। अगर मैंने आलू खरीदे हैं तो आलू के दाम पर ही बिक पाए, ठीक है ना। तो ऐसी हालत में जो गुड्स है वो मर्केंटेबिलिटी होनी चाहिए, कंडीशन का क्लॉज पूरा होना चाहिए। अगर ये क्लॉज पूरा नहीं होता तो कोई भी सेलर इस रूल का फायदा नहीं उठा सकता, उसे माल वापस लौटाना ही पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि बायर ने खुद क्यों नहीं डिसीजन लिया, उसने क्यों नहीं देखा कि माल ऐसा है या वैसा है, ठीक है। और इसके बाद यूजर्स ऑफ ट्रेड, इसके बारे में हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं कि जो ट्रेड है अगर उस ट्रेड में माल को वापस करने का राइट है और सभी सेलर सभी बायर इस हैबिट को जानते हैं तो ये एक्सक्लूजन में आ जाएगा, एक्सेप्शन में आ जाएगा और उसको वापस करना पड़ेगा। पर अगर उस ट्रेड में माल को वापस करने का राइट नहीं है तो ये वारंटी बन जाएगा। पर अगर उस ट्रेड में ना माल को क्लेम देने का राइट है ना ही वापस करने का राइट है और ये सभी सेलर सभी बायर इस बात को जानते हैं तो फिर यहां से निकलकर वो ऊपर वाले रूल में माना जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बात क्लियरिटी है आप लोगों की। इसके बाद है कंसेंट बाय फ्रॉड, अगर किसी सेलर ने बायर को धोखा देकर फ्रॉड करा है करके उसकी कंसेंट ली है, मान लीजिए वो इंपोर्टेड गुड्स खरीदने आया था और उसने नॉन इंपोर्टेड गुड्स धोखा देकर उस पर मोहर जाली लगाकर बेच दिया, या वो ब्रांडेड गुड्स खरीदने आया था और उसने लोकल गुड्स ब्रांडेड बनाकर बेच दिया, तो ये माना जाएगा कि कंसेंट फ्रॉड से मिली है। तो ऐसी हालत में अब ये जो गुड्स ये जो कंसेंट हो गई, यहां पर कंसेंट फ्री नहीं हुई, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो बायर चाहे तो क्लेम ले सकता है चाहे तो माल वापस कर सकता है, और अगर वो चुप रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। ये आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में सीख चुके हैं, ये बात क्लियरिटी है। तो ये जितने भी रूल्स हैं स्टूडेंट्स, ये सारे रूल्स ऊपर वाले रूल्स के उल्टे हैं, यानी इस बिना पर सेलर्स जिम्मेदार है और अगर ये रूल अप्लाई नहीं होते हैं तो बायर जिम्मेदार है। कैवेट एमिटर रूल ये कहता है कि हर सेलर को विज्ञापन करने का अधिकार है, हर सेलर को अपनी बढ़ाई करने का अधिकार है, हर सेलर को अपने गुड्स बेचने का अधिकार है। कैवेट एमिटर रूल कहता है कि जो बायर है वो अपने आप डिसीजन लें कि उनका क्या फिटनेस है, क्या उनका पर्पस है, और कैवेट एमिटर रूल ये कहता है कि सेलर्स कभी भी जिम्मेदार नहीं। लेकिन ये एक्सेप्शन है, इन सारे एक्सेप्शन में सेलर रिस्पॉन्सिबल है इन सब रीजंस के होने के कारण, क्योंकि यहां पर कंडीशंस वाले सारे रीजन इसमें आ जाएंगे। तो आज हम इस लेसन को फिनिश करते हैं।
और इस लेसन को फिनिश करने के बाद नेक्स्ट क्लास में नए लेसन के साथ मुलाकात होगी मेरी। नेक्स्ट क्लास में मैं सेल ऑफ गुड सेट्स के दो चैप्टर चूंकि मैं करा चुका हूं, तो मैं दोनों के आपको क्वेश्चन आंसर कराना चाहता हूं। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को, जो भी ये स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं, मैं उन सबसे यही कहूंगा कि वो अपना नाम, अपना फोन नंबर और अपना ईमेल मेरे को भेजें ताकि मैं उनसे कॉन्टेक्ट कर सकूं। मेरे ऑफिस का जो फोन नंबर है, ऑफिस का जो फोन नंबर है वो है 9810661111। ये हमारे ऑफिस का फोन नंबर है। आप इसमें एसएमएस कर दें बस अपना नाम, अपना फोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस। और डिफरेंट वेबसाइटों पर मेरा प्रोग्राम चल रहा है, ये तो डिफरेंट वेबसाइटों पर कौन सी वेबसाइट्स देख रहे हैं अगर वो भी बता देंगे तो बेस्ट रहेगा ताकि मैं आपको आराम से सर्विस दे पाऊं। मेरे को चाहिए आपसे क्वेश्चंस, जो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं उन सभी क्वेश्चन के जवाब देने वाला हूं। इसके अलावा जब आपके पेपर आएंगे अभी, तो ये सारे जो मेरे को मेल्स आप करेंगे या, तो वो सारा जो मेरे पास डाटा इकट्ठा हो जाएगा मेरे अपने स्टूडेंट्स का, उन सभी को मैं लास्ट में पर्सनल लेवल पर कुछ नोट्स भी रेफर करूंगा। और लास्ट में एक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करने वाला हूं ऑल इंडिया लेवल बेसिस पर। तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे कोर्स को देख रहे हैं ऑल इंडिया लेवल बेसिस पर उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप मुझे टाइमिंगली अपना डिस्क्रिप्शन भेज देते हैं तो मैं जरूर आपका सपोर्ट करूंगा, हेल्प करूंगा। बाकी कैसा लग रहा है लेक्चर प्लीज मुझे बताइएगा जरूर, ताकि मैं इस लेक्चर को आपके अकॉर्डिंग ले जा सकूं। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।